नमस्कार दोस्तों, SRE ऑनलाइन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा 290 से अधिक पोस्ट की जो 2021 में वैकेंसी जारी की गई थी, जिसके एग्ज़ाम अप्रैल में हुए थे। और दोस्तों, आप सभी ने जो एग्ज़ाम दिया था उसकी फर्स्ट आंसर की तो आप देख चुके थे, लेकिन दोस्तों यूपी मेट्रो की तरफ से अभी वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट पेज पर एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है उसी आंसर की से रिलेटेड। अब दोस्तों, आप अपनी आंसर की, अपने फाइनल मार्क्स के, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि आप अपने मार्क्स कैसे देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूपी मेट्रो की जो वेबसाइट है lmrc.com पर आपको आना है और उसके बाद यहाँ पर जो आपको ये लाइन दिख रही है यहाँ पर क्लिक करके कैरियर सेक्शन पर जाकर आपको रिक्रूटमेंट 2021 पर क्लिक करना है, या तो फिर ये लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को ऑप्शन मिल रहा है, होम पेज में यहाँ पर सारे ऑप्शन हटा दिए गए, केवल एक ही ऑप्शन रखा गया है क्लिक हेयर टू लॉग इन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, जब आप ऐसा देखेंगे आपको लॉगिन पेज में दिखेगा यूज़र आईडी, तो आपको 7 डिजिट का जो यूज़र आईडी वो आपको इसमें पुट करना है और उसके बाद माफ़ कीजिएगा 8 डिजिट का जो आपका यूज़र आईडी वो आपको इस ऑप्शन में डालना है। यूज़र नेम आपको लिखा रहेगा 210000 समथिंग, ऐसे कुछ आपका यूज़र नेम होगा और उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, उसमें डेट ऑफ बर्थ में आपको डालना है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001, तो 01/01/2001 आपको ऐसे डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो व्यूज़ दिखेंगे वो आपको मैं इस तरह से बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स दिखेंगी आपको, एप्लीकेंट डिटेल्स में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। सेकंड में आपका रहेगा कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट, तो आपने यदि एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना पेपर भी यहाँ से जो आंसर किया उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है स्कोर कार्ड, आपको उस पर क्लिक करना है। और यदि दोस्तों आप अपनी आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर, हेयर पे आपको क्लिक करना है जिससे आपकी आंसर की जनरेट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जब आप स्कोर कार्ड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर स्कोर कार्ड, तो आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको आपका एडमिट, माफ़ कीजिएगा, रिजल्ट दिख जाएगा, स्कोर कार्ड दिख जाएगा कि आपने कितने अटैम्प्ट किए थे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, आपने 66 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 19 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं और उसके बाद जो नेट स्कोर आपका है वो है 59.73। तो इस प्रकार से आपको आपका कंप्लीट स्कोर कार्ड दिख जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों, यदि आप अपना स्कोर कार्ड देखना चाहते हैं और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई असुविधा होती है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ मेल कर सकते हैं sreonlineup@gmail.com पर। और दोस्तों, वीडियो पसंद आओ तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें आपका क्या फीडबैक है, आप क्या आप सिलेक्ट हुए यूपी मेट्रो के लिए ऐसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।